आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट तो चार स्टेटमेंट दी गई हैं जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जो स्टेटमेंट गलत है हमें उस स्टेटमेंट को चूज करना है नंबर 1 प्लाज्मिड्स हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोजोमल तो यहाँ पे जब बात की गई है प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड क्या होंगे कैसे हम इनको डिफाइन करेंगे तो ये होगा हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए ओके, जो कि बेक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे खुद का ऑरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन प्रेजेंट होता है प्लास्मिड के अंदर अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमारी वो साइट होती है जहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो प्लास्मिड होगा ये क्रोमोसोमल डीएनए के इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट करता है ओके okay? तो ये स्टेटमेंट हमारी सही होगी सम प्लास्मिड हैव ओनली वन और टू कॉपी पर अदर है लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनका कॉपी नंबर बहुत ज्यादा होता है कुछ प्लाज्मेड का तो कॉपी नंबर यहाँ पे फिफ्टीन हंड्रेड से भी ज्यादा हो सकता है तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है बैक्टीरियो फाज द एबिलिटी टू रेप्लीकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोजोमल डीएनए तो सबसे पहले तो बैक्टीरियो होते क्या हैं वो देखते हैं तो ये वायरस है जो कि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को किसको इन्फेक्ट करेंगे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे यहाँ पे जो बैक्टीरियो होंगे इनके अंदर एबिलिटी होती है बैक्टीरियल सेल के अंदर रेप्लीकेट करने की और ये इंडिपेंडेंटली रेप्लीकेट करेंगे क्रोमोसोमल डीएनए के जैसे कि प्लाज्मा रेप्लीकेट करते हैं तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो भी सही है अब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत दी गई है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का एग्जाम्पल होगा जो बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर होता है वो मेनली तीन टाइप्स से होता है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन एंड कंजुकेशन तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा बैक्टीरिया के अंदर हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का एग्जाम्पल होगा जिसके अंदर जो डीएनए होगा वो एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर होगा लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि प्रोसेसर है डीएनए को सेपरेट करने का ये गलत है जिस प्रोसेस की हेल्प से हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं आइसोलेट करते हैं वो हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होगी तो जो स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर फोर क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर